गडरवारा के युवाओं ने अपने मित्र के जन्मदिन पर रक्तदान और शासकीय अस्पताल में फल वितरित किए। रोहित गुर्जर ने कहा कि उनके मित्र प्रभांशु तिवारी के जन्मदिन पर सभी दोस्तों ने मिलकर शासकीय चिकित्सालय में प्रभारी डॉक्टर राकेश बोहरे के मार्गदर्शन में रक्तदान किया और फल भी वितरित किए। साथ ही कहा कि कोरोना काल में ब्लड की कभी कमी के कारण कई लोगों की जाने गई। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता मिनेन्द्र डागा, शिवाकांत मिश्रा, पिंटा जैन, हर्ष पाठक, गोलू साहू, डॉक्टर बबीता दत्त सिंह, अजय गारू सहित युवा साथी मौजूद रहे। हाँ, सेवा में हम लोगों ने आदरणीय हमारे मार्गदर्शक मिनेन जी डागा, मंडल अध्यक्ष पिंटा जी जैन, हमारे पार्षद गोलू जी साहू और सभी वरिष्ठ लोग, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष मंडल राजू सिंह मिश्रा और हम लोग के सब मार्गदर्शक, मेरे मित्र प्रवांशु जी तिवारी, उनके मार्गदर्शक पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम करा। ये मन में ये बात कैसे आई कि सेवा भाव के रूप में इनका जन्मदिन मनाना चाहिए? सेवा में ऐसा आया कि हम लोगों ने हमेशा मतलब सेवा ही भाव से हम लोग जन्मोत्सव बनाते हैं। आज हम लोग के मन में अलग सेवा भाव आया, रक्तदान का कार्यक्रम, फल वितरण और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया है, वो भी करेंगे। मास वितरण भी किए हम लोगों ने। युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि जन्मोत्सव इस तरीके से रक्तदान करके मनाया जाए, फल वितरण करके मनाया जाए, वृक्षारोपण करके मनाया जाए। देखिए, निश्चित रूप से आज की नौजवान पीढ़ी, जो हम कहते हैं कि कहीं विसंगति की ओर जा रही, लेकिन वहीं एक दूसरी ओर अगर हम देखें कि नौजवान पीढ़ी आज अपना जन्मदिन अगर रक्तदान करके मना रही, तो ये एक बड़ा एक संदेश लोगों के बीच में ये देना चाहते हैं। और इन लोगों के लिए मैं चंद लाइन आज जिन्होंने जन्मदिन मनाया उनके लिए कहना चाहता हूँ कि गमों की आँच पर आंसू उबाल कर देखो। इन नौजवानों के लिए जिन्होंने ये बड़ा संकल्प लिया कि गमों की आँच पर आंसू उबाल कर देखो और बनेंगे रंग हजार किसी पर डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी होगी कम कि किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। तो ये नौजवानों ने आज दुख और तकलीफ़ में फंसे हुए लोगों के लिए रक्तदान करके पैरों से कांटा निकालने का काम इन्होंने किया। ये रोहित और इनकी पूरी टीम जिनने जन्मदिन आज हमारे साथियों ने मनाया, ये बधाई के पात्र हैं। और ये एक संदेश देना चाहते हैं नौजवान कि आप रक्तदान से डरिए मत। आज बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था कि पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, हमारे आशीष भाई वगैरह बहुत सारे लोग रक्तदान के काम में जुटे हैं। तो आज सामाजिक संगठनों के साथ साथ जब राजनीतिक संगठन इस ओर बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि समाज में व्यापकता है, समाज में एक सेवा के प्रति समर्पण का भाव है, और ये समर्पण का भाव होना जरूरी भी है, क्योंकि वर्तमान